सो वैसे तो हमने हल्क के बारे में अपने चैनल पे बहुत बार बात की है एंड वीडियोस में मैंने कई बार ये बताया है कि हल्क कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है एंड इसीलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं हल्क के एक ऐसे वर्जन के बारे में जिसने कुछ इंस्टेंसेस में तो हल्क को भी डिफीट किया है। सो यस, हम लोग बात कर रहे हैं रेड हल्क के बारे में जो कि ब्रूस बैनर नहीं जनरल रॉस है, ब्रूस बैनर के मोस्ट वेल नोन एनिमीज में से एक। सो यस, आज की वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि क्या रेड हल्क इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो डिफीट कर सके बॉल्डर को, वही बॉल्डर जिसने क्रेटोस की भी बैंड बजाई थी। क्रेटोस की भी हालत खराब हो गई थी बॉल्डर से लड़ने में। सो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड इसको एंड तक जरूर देखना। एंड यस, एक और बात, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन होगा उसको दबा देना, बगल में बेल आइकन भी होगा उसको भी क्लिक कर देना ताकि आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर में आने वाले नोटिफिकेशंस मिस ना कर पाएं। एंड अगर आप लोग चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे आइए और मुझे अपने कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बताइए जिनको मैं अपनी वीडियोस में कवर कर सकूं। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर लेट्स बिगिन। सो पहले हम लोग बात कर लेते हैं रेड हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। सो जनरल रॉस, जिसको हम लोग रेड हल्क भी बोलते हैं, वो अपनी विल से ही हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। जैसा हमने नॉर्मल ग्रीन हल्क के केस में देखा है कि वो जितना जल्दी गुस्सा हो जाता है वो उतनी ही जल्दी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज्यादातर केसेस में ब्रूस बैनर का हल्क के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, बट रेड हल्क के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रॉस जब भी चाहे वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर वो एक पावरफुल अपोनेंट से मार खा जाए और अनकॉन्शियस भी हो जाए तभी भी वो रेड हल्क बना रहता है, वो वापस से जनरल रॉस में ट्रांसफॉर्म नहीं होता है। रेड हल्क पोजेस करता है वास्ट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज भी कर सकता है रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके। रेड हल्क ने कॉमिक्स में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट्स को परफॉर्म किया है, जैसे कि उसने अबोमिनेशन को काफी इजीली ओवर पावर करके उसको डिफीट किया, ओडिन फोर्स से चार्ज थॉर को डिफीट किया था, वो भी एक वन ऑन वन फेयर बैटल में। हालांकि एक और बात नोट करने वाली है कि थॉर उस समय प्रिपेयर्ड नहीं था बैटल के लिए एंड लेटर ऑन उसने रेड हल्क को डिफीट कर दिया था। बट यस, ये भी एक काफी बड़ा फीट है, उसने एक वॉचर को पंच किया है। एंड मैं आपको बता दूं, वॉचर्स मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल बींग्स होते हैं। सो आप सोच सकते हैं कि रेड हल्क की स्ट्रेंथ कितने लेवल पे है। सो जो दूसरी एबिलिटी आती है रेड हल्क में वो है उसकी सुपर ह्यूमन लीपिंग। अब ठीक हल्क की तरह रेड हल्क भी काफी लंबी लंबी लीपिंग कर सकता है, यानी कि काफी लंबी लंबी जंप्स कर सकता है एंड वास्ट डिस्टेंसेस को कवर कर सकता है सिर्फ अपनी एक लीप में। इसके अलावा जो रेड हल्क का स्टेमिना है वो नाइन लिमिटलेस है एंड वो कॉन्स्टेंटली फाइट, रन या फिर परफॉर्म कर सकता है फिजिकल एक्टिविटीज को विदाउट एनी सिम्टम्स ऑफ फटीग। इसके अलावा रेड हल्क का जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा हाई है, वो आराम से इतनी डैमेज को सह सकता है जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बींग को बड़े आराम से मार दे या फिर एक लो लेवल के सुपर ह्यूमन बींग्स को भी। इसके अलावा वो सुपर ह्यूमन स्पीड में भी ट्रेवल कर सकता है, वो कभी भी एज नहीं करता है एंड उसके पास एक कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। उसका रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर एकदम ग्रीन हल्क के रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर की तरह है, लेकिन नोटिसिबली थोड़ा सा लेस पावरफुल है। इसके अलावा उसके पास गामा रेडिएशन एमिशन की भी एबिलिटी है, वो कॉन्स्टेंटली गिव ऑफ करता है गामा रेडिएशन को और ये जो एमिशन है ये इंक्रीज हो जाती है जितना ज्यादा वो गुस्सा होता है, और जब ये हाई लेवल पे पहुंच जाती है तब रेड हल्क एकदम सुपर सैयन की तरह हो जाता है, यानी कि उसके चारों तरफ आग का एक घेरा टाइप का बन जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा रेडिएशन को एमिट करेगा तो ओवरहीट के कारण वो एक्सप्लोड भी हो जाता है, जो कि एक इमेंस लेवल ऑफ डैमेज प्रोड्यूस करती है और उसके ओपोनेंट्स के लिए काफी ज्यादा डेंजरस है। इसके अलावा उसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन की भी एबिलिटी है, रेड हल्क केपेबल है कि वो एब्जॉर्ब कर सके किसी भी टाइप की एनर्जी को। वो एक बार सिल्वर सर्फर की पावर कॉस्मिक को भी एब्जॉर्ब कर चुका है, जिसके कारण सिल्वर सर्फर की पावर चली गई थी एंड रेड हल्क उसका सर्फ लेके चला गया था। ये तो हमने बात कर ली रेड हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। इसके अलावा उसके कुछ वीकनेस भी है। अपने नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में वो वल्नरेबल है एज एनी ह्यूमन, लेकिन यस, जब वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तभी भी वो डिस्प्ले करता है कुछ नोटेबल वीकनेसेस को, जैसे कि ब्लेडेड या फिर शार्प ऑब्जेक्ट से उसको डैमेज किया जा सकता है। और ऐसा हमने कॉमिक्स में भी देखा है कि कैसे पनिशर ने रेड हल्क की चेस्ट में नाइफ घुसा के उसको काफी ज्यादा वीक कर दिया था।
वुल्वरीन ने अपने क्लॉज से रेड हल्क का हाथ ही निकाल दिया था एंड उसकी आंखें भी निकाल दी थी। सो यस गाइस, ये तो हमने बात कर ली रेड हल्क की पावर्स एंड एबिलिटीज और उसकी वीकनेसेस के बारे में। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट कैरेक्टर यानी कि बॉल्डर के ऊपर। अब क्योंकि बॉल्डर ओडिन का बेटा है इसलिए उसके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं जो कि उसको बनाती हैं वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गॉड्स में से एक। गेम में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ ओडिन एंड थॉर ही हैं जो कि बॉल्डर की पावर्स को सरपास कर सकते हैं। हालांकि क्रेटोस ने भी उसको डिफीट कर दिया था बट फिर भी वो क्रेटोस के सामने एक ग्रेट चैलेंजर बन के आया था जिसको डिफीट करने में क्रेटोस की भी हालत खराब हो गई थी। सो बॉल्डर की जो सबसे पहली एबिलिटी आती है वो है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। बॉल्डर पोजेस करता है इमेंस सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि काफी है कि वो सरपास कर सके किसी भी मॉर्टल या फिर मॉन्स्टर को। हालांकि उसकी अपीयरेंस से वो काफी स्किनी एंड शॉर्टर बॉडी वाला बीइंग दिखता है बट यस, उसकी फिजिकल अपीयरेंस से उसके काफी एनिमीज उसको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं जो कि उनकी आखिरी गलती होती है बिकॉज बॉल्डर की स्ट्रेंथ एक नेक्स्ट लेवल पे है। हमने गेम में भी ऐसा देखा था कि जब बॉल्डर एंड क्रेटोस दोनों अपनी फुल फोर्स को अनलीश कर रहे थे तो कैसे अर्थक्वेक आ गया था और पूरा धरती फट गया था। इसके अलावा बॉल्डर के पास है सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी। हमने गेम में तो ये बहुत बार देखा है कि बॉल्डर कितना ज्यादा ड्यूरेबल है। क्रेटोस ने उसके ऊपर क्या क्या नहीं फेंक के मारा, ट्रीज की ब्रांचेस, बड़ी बड़ी रॉक्स उसको उठा उठा के फेंका लेकिन तभी भी बॉल्डर को कुछ भी नहीं हुआ। वो एक्सट्रीम पनिशमेंट को झेल सकता है। इसके अलावा बॉल्डर के पास एक कमाल का रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर भी है। अब इसका भी एग्जांपल हमने गेम में बहुत बार देखा है कि कैसे बॉल्डर क्रेटोस के दिए गए वूंड से काफी जल्दी हील हो जा रहा था, उसको तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ रहा था। एंड यही हमें एक नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलती है कि बॉल्डर वॉज अ इमॉर्टल बींग। बॉल्डर को सिर्फ दूसरे इमॉर्टल्स या फिर स्पेशल वेपन से ही मारा जा सकता है। उसके पास लाइटनिंग मैनिपुलेशन की भी एबिलिटी है। अब क्योंकि वो है गॉड ऑफ लाइट तो वो कंट्रोल कर सकता है किसी भी टाइप की लाइट्स को। एंड इसका भी एग्जांपल हमने उसकी बॉडी में देखा है कि कैसे जब वो ज्यादा गुस्सा होता है तो उसकी बॉडी लाइट अप करती है ब्लू फ्लेम्स में जो कि उसको प्रोवाइड करती है सुपर ह्यूमन स्पीड। एंड उसी एबिलिटी का यूज करके वो शॉक वेव्स भी क्रिएट कर सकता है ग्राउंड में, एनर्जी के एक्सप्लोजन्स कर सकता है, एनर्जी के डेडली बॉल्स को थ्रो कर सकता है और अपने फोर्स ऑफ अटैक्स को भी इंक्रीज कर सकता है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा फास्ट है, वो काफी ज्यादा एजाइल भी है। अब रेड हल्क की तरह ही बॉल्डर भी किसी भी टाइप के एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब करके उनकी पावर्स को गेन कर सकता है। एंड इसके अलावा वो एक मास्टर है इन हैंड टू हैंड कॉम्बैट। वो क्रेटोस के भी कई ज्यादा पावरफुल अटैक्स को काउंटर करके उसी के ऊपर बैकफायर कर दे रहा था। वो पंचेज एंड किक्स को इतनी फास्ट रेट में डिलीवर कर रहा था कि क्रेटोस के लिए भी उससे लड़ना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। वो अपनी फाइट में काफी ज्यादा टेक्निक्स का यूज कर रहा था एंड यही सारी चीजें उसको बहुत ही ज्यादा डेडली वॉरियर बनाती हैं। एंड जो सबसे बड़ी बात है बॉल्डर के अंदर वो है कि उसको कुछ फील ही नहीं होता है, उसको किसी भी टाइप का पेन फील ही नहीं होता है एंड यही उसका एक फाइट में बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। अब बेसिकली इसका जो रीजन है वो ये है कि उसकी मदर ने उसके ऊपर र्यून मैजिक कर रखा है जिसके कारण उसको कुछ फील ही नहीं होता है एंड यही चीज बॉल्डर को एक काफी ज्यादा डेडली अपोनेंट बनाती है। सो यस गाइस, ये तो हमने बात कर ली बॉल्डर की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो अब हम लोग बात करते हैं कि क्या रेड हल्क बॉल्डर को डिफीट कर सकता है या फिर बॉल्डर रेड हल्क को डिफीट कर सकता है। सो अगर देखा जाए तो दोनों की ही मेन पावर उनकी रॉ स्ट्रेंथ है। दोनों अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, दोनों ही अपनी फाइट में काफी ज्यादा दिमाग का भी यूज करते हैं एंड दोनों ही अपनी काफी ज्यादा फाइटिंग टेक्निक्स को काफी अच्छी तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। सो इतनी ज्यादा सिमिलरिटीज के बाद भी मुझे तो ये लगता है कि ये दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। सो मेरे लिए तो इन दोनों में से एक को विनर पिकअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से इन दोनों के बीच की बैटल में कौन जीत सकता है। जिसका जेन्युइन कमेंट होगा उसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। सो यस गाइस, ये थी कंप्लीट वीडियो एंड अगर आप लोग को ये वीडियो देखने में मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना। सो यस गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।